ये लो श्रवण भी दूध लेके आ गया है। ये है हमारा दूध वाला जो कि हमें पिछले 2 साल से दूध सप्लाई कर रहा है और बहुत ही शानदार दूध देता है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सुबह की चाय के साथ ही आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैं मेरे इस छोटे से गार्डन में आनंद दे रही हूँ सुबह सुबह। ये देखिए कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है, कोयल पीछे से आवाज़ लगा रही है, होपफुली आपको भी सुनाई दे रही होगी। और छोटे छोटे बर्ड्स की भी इतनी आवाज़ क्लियर आ रही है कि मज़ा आ गया। नॉर्मली मैं सुबह की चाय यहीं पे बैठ के पीना चाहती हूँ, पीछे एकदम जो भी छोटा सा गार्डन है, बड़ी फ्रेश फ्रेश एयर फील होती है, अच्छा लगता है सुबह सुबह। आ जाइए चाय पे। घर के सामने से रोड है तो आते जाते लोग भी नज़र आते हैं। सुबह सुबह हर कोई अपने अपने काम में लग गया है, लोग ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, कोई बच्चे हैं वो घूमने जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। मतलब अगर आप अकेले भी हो ना घर पे तो आप बोर नहीं होंगे। लॉकडाउन के टाइम पे इतना सन्नाटा हो गया था इन सड़कों पे, कोई भी नज़र नहीं आता था, ऐसे लगता है किसी भूतिया शहर में आ गए। अब फिर से यूँ लग रहा है कि ज़िंदगी पटरी पे आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन शायद कुछ हद तक सही भी नहीं है। जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद हमें टाइम से पहले ही आने वाली है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम कर रही थी, मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है। आजकल मैं अक्सर कोई वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मुझे इस पे स्पेस नहीं मिलती, तो मैं कुछ इसमें से वीडियोस और जो इमेजेस थी, पिक्चर्स वगैरह, उनको इसमें ट्रांसफ़र कर रही थी ताकि लैपटॉप में वो हमेशा के लिए रह जाए और मेरे मोबाइल में स्पेस क्रिएट हो जाए। इस तरह के छोटे छोटे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं मेरे। और मैं तो ये सजेशन दूंगी कि सभी को अपना इस तरह का काम खुद ही करना चाहिए, ठीक है? आजकल हमारे घरों में अक्सर इतने इस बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स होते हैं जो कि सबको नहीं चलाने आते। जैसे कंप्यूटर है, एक मिनट मैं इसे बंद कर दूँ, बाद में कर लेती हूँ। कंप्यूटर जो है, मैं इसकी कोई बहुत धुरंधर नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, मुझे बड़ा बेसिक सी नॉलेज है इसकी। मैं मेरा काम निकाल लेती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि शायद सभी को बेसिक तो आना चाहिए, कंप्यूटर का नहीं, हर एक जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं उनका। अक्सर आजकल जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और वो सब चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो गई हैं, चाहे स्मार्ट टीवी है, स्मार्टफोन है या कुछ और गैजेट्स हैं जैसे अवन है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या फिर और भी बहुत से हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ऑपरेट करना हम सबको आना चाहिए। जो हमारे घर में जो भी कुछ है, वो 2 व्हीलर भी हो सकता है, वो 4 व्हीलर भी हो सकता है, इन सारी चीज़ों को, जो नई चीज़ें हैं वो आज जब आती हैं मार्केट में, तो यंग जो जनरेशन है वो तो बड़ी फटाफट सीख जाती है, लेकिन जो थोड़े से मेच्योर एज के हैं, 35+ है, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं लेडीज़ में खास करके बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते किसी चीज़ को, और कई बार क्या होता है कि उन वो चीज़ें उनकी रीच तक पहुंचती भी नहीं है। जैसे स्मार्टफोन है, शहरों में लगभग सबके पास है, शायद मैं मानती हूँ कि मिडिल क्लास में लगभग
80% लेडीज़ के पास मिल जाएंगे शायद, लेकिन जो देहात हैं वहाँ पे लेडीज़ के पास में उनकी अप्रोच में नहीं है ये चीज़ें। वॉशिंग मशीन है घर में आ गई, लेकिन सबको नहीं चलानी आती, तो किसी जिसको भी आती है वो ऑपरेट कर लेता है, तो बाकी सब उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई वो चलाना ज़रा, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, अब ये जो कंप्यूटर है ये आए तो इंडिया में बहुत टाइम हो गया, लेकिन सबको नहीं आता, क्योंकि पहले उन जैसे हमारे ज़माने में ये कंपलसरी नहीं था, उसके बाद में भी कॉलेज लेवल पे भी ये कंपलसरी नहीं था तो नहीं सीखा, और घर में सबके पीसी थे नहीं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थे उस ज़माने में। मुझे अब भी याद है लेट 90s में ये अराउंड 50-55,000 में आता था। हाँ नवी बीच में कुछ कुछ बोल रही है, तो सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते थे और था भी नहीं, उनको लगता था कि ये हमारी कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है। जिनके बच्चे आईटी से रिलेटेड थे या उनका जॉब ऐसा था, वो भले ही उस चीज़ को खरीदते थे, उनकी मजबूरी थी। और आजकल ये घर घर में हो गए और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं रहे, तो आज ये बच्चों के सिलेबस में भी कंपलसरी हो गया है, तो बच्चे तो सीख लेते हैं फटाफट, लेकिन जो लेडीज़ हैं वो नहीं सीखती हैं, उनको लगता है हमें कहीं काम ही नहीं आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समय के साथ चलना चाहिए, हर चीज़ सीखनी चाहिए। अब आपके घर में कंप्यूटर है, आपके बच्चे चला रहे हैं, आपके हस्बैंड चला रहे हैं, क्योंकि जेंट्स को ऑलमोस्ट सीख लेते हैं क्योंकि उनके काम में कहीं ऑफिस में काम में आता है या उन्होंने सीख लिया, लेकिन लेडीज़ नहीं सीख पाती। तो ऐसे में मैं सोचती हूँ कि उनको सीख लेना चाहिए, वैसे ही जैसे घर में गाड़ी है और लेडीज़ नहीं चलाती, कई बार सीख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है कि गाड़ी आपके घर में है और आपको कोई इमरजेंसी है और उसको चलाने वाला घर में कोई नहीं है, ऐसे में आपको किसी पड़ोसी को जाके बुला के लाना पड़ेगा और उनकी मेहरबानी पे आप रहोगे, है ना। तो आपको हर चीज़ चलानी सीखनी चाहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैंने कोई कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, लेकिन बेसिक बेसिक सी चीज़ें धीरे 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 सीखती गई और मेरा काम निकाल लेती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ कढ़ी, हम लोग इसे कढ़ी भी बोलते हैं। प्याज वगैरह भून करके सारे मसाले जो सूखे हैं वो भी उसमें ऐड कर दिए, उन्हें भून लिया, उसी में कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया। और जब पूरा मसाला भून करके तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें फिर वो जो दही में बेसन घोल करके जो पेस्ट तैयार किया है वो इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये देखिए यहाँ पे सब तैयार है, ये मैंने ऐड कर दिया और फिर इसे कॉन्स्टेंटली हिलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा, और उबाल आने के बाद में मैं इसे छोड़ दी अपने आप पकने के लिए। कुछ लोग इसे पहले उबाल करके फिर इसमें तड़का लगाते हैं, मुझे यही तरीका पसंद है। भागते भागते 10 बज गए, अब भी मुझे यूँ लग रहा है कि जल्दी जल्दी सारा निपटाऊँ, क्योंकि नॉर्मली 10-10:30 बज जाते हैं, और इस वीडियो को कंप्लीट करने के चक्कर में और ज़्यादा फास्ट काम किया कि सारा कंप्लीट हो, ताकि मैं आराम से बैठ कर के मेरी एडिटिंग कर सकूं और वीडियो को रात को सोने से पहले ही अपलोड कर दूं, ताकि आपको टाइम पे मिल जाए। बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं इस वीडियो के चक्कर में, लेकिन कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको ब्लॉग्स मिलते रहें। कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि डेली मिलें, लेकिन हो नहीं पाता है। अब भी फिर भी कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो दिया था आपको और आज भी मैं एक व्लॉग आपको तैयार करके, पूरी पूरी कोशिश है कि ये टाइम पे एडिट हो जाएगा और आप तक टाइम पे पहुँच जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको अगर ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आप लाइक करके जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तक देखा है तो आपको शायद अच्छा लगता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे व्लॉग्स की और मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अक्सर ये होता है कि नोटिफिकेशन बेल नहीं दबी होती है
तो नोटिफिकेशन नहीं जाता, और फिर कई बार मुझे जो मेरे नोन हैं वो बताते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि वीडियोस भी आ रहे हैं, या काफ़ी दिनों से नहीं आए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मुझे कहना पड़ता है कि वीडियोस में डालती रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन जब डालती हूँ तो इतना लंबा गैप भी नहीं होता कि महीने भर नहीं आए। तो इसलिए आप उसको ज़रा नोटिफिकेशन बेल जो है उसको दबा के रखिए, उससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, मुझे तो पसीने आने लग गए हैं। एक तो मुझे फ़ैन वगैरह कूलर वगैरह बंद करना पड़ता है कई बार, इस क्योंकि इसमें फिर आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आती है वीडियो में। और बाकी सब ठीक है यार, अब कल के व्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे मूड से सोया करो तो अच्छी नींद आती है। बाय बाय।